राहुल दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर गया। नमस्ते मौसी जी, कहते हुए राहुल ने मौसी के चरण स्पर्श किए। जीते रहो, मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया। मौसी जी, किस चीज की सुगंध आ रही है? बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा, मैं तो खूब सारा खाऊंगा। राहुल ने हाथ मुंह धोए और बड़े मजे से गाजर का हलवा खाया। धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राहुल की आंखों में नींद न थी। मौसी जी, कोई कहानी सुनाइए ना। कौन सी कहानी? कछुए और खरगोश की या राजा रानी की? ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने ना सुनी हो ना सुनाई हो। ऐसी कहानी? मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा। पूर्णमासी का गोलाकार चांद आकाश में अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। ठीक है, तो सुनो। एक थी आकाश नगरी। वहां एक आदमी रहता था। उसका नाम था दिन। उसकी पत्नी का नाम रात्रि था। उनके दो बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले। तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया। चंदा, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, किसी के रेंगने की आवाज लगती है। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थक कर चिंतित एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसने बताया कि एक अजगर दोनों बच्चों को निगल गया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वह जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले, तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। निद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जम्हाई ली। बस रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका। बच्चे भागकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। इस घटना के बाद से दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की। अब वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहते हैं। निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। तो बच्चों, यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिन पिता और रात्रि माँ हैं। चंदा और सूरज दो बेटे हैं। जब चांद और सूरज को अजगर ने निगल लिया, तो रात्रि की सहेली निद्रा ने अजगर की आंखों में घुसकर चांद और सूरज को निकालने का उपाय बताया।
अपने मित्र की मदद करना अच्छी बात है ना? तभी आपस में सहयोग और मेलजोल बढ़ता है। पाठ में र के विभिन्न रूपों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उस तरह के कुछ और शब्दों का उच्चारण ध्यान से सुनो। वर्ण के ऊपर लगने वाला र अरहित होता है और नीचे पाई पर लगने वाला र असहित होता है। र